गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 13। ये कविता है पानी और धूप। इस कविता की कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हमने जो है इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू किया था और अभ्यास कार्य में हमने कुछ प्रश्न भी देखे हैं। तो आज जो है अभ्यास कार्य से हम भाषा की बात से दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 2, चित्र के गलत नाम पर गलत का निशान लगाइए। देखिए प्रश्न हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दिए गए जो चित्र है इसके गलत नाम पर जो है हमें गलत का निशान लगाना है। चित्र देखना है, उसके गलत नाम पर जो है दिए गए जो नाम है इनमें से जो गलत नाम है उस पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो देखिए ये पहला जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है किसका है बताइए? जी हाँ, ये क्या है? माँ, माता या पिता, कौन सा किसका चित्र है ये? जी हाँ, ये माँ का चित्र है। ये किसका चित्र है? माँ का चित्र है। और ये जो है माँ, इससे ही क्या कहते हैं? माता। माँ को ही क्या कहते हैं? माता। बताइए माँ को पिता कहते हैं क्या? जी नहीं। ये तो ये पिता का चित्र है क्या? नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, ये जो चित्र दिख रहा है आपको ये चित्र किसका है बताइए? क्या ये मेघ है, वर्षा, बादल, इनमें से किसका चित्र है? जी हाँ, ये क्या है? बादल का चित्र है। ये किसका चित्र है? बादल का चित्र है। और बादल को ही हम क्या कहते हैं? मेघ। बादल को ही हम क्या कहते हैं? मेघ। लेकिन बादल को हम वर्षा कहते हैं क्या? नहीं। वर्षा यानी क्या? बारिश। तो ये बारिश का चित्र है क्या? नहीं, ये बादल का चित्र है। कि ये वर्षा ये क्या है? गलत है। अब देखिए अगला चित्र, ये चित्र किसका है बताइए? चित्र में क्या दिख रहा है आपको? जी हाँ, देखिए अब ये चित्र के पर्याय क्या दिए गए? खिड़की, द्वार, दरवाजा। बताइए किसका चित्र है ये? दरवाजे का चित्र है क्या ये? जी हाँ, ये दरवाजे का चित्र है। ये खिड़की दिख रही है आपको? नहीं। तो ये दरवाजे का चित्र है, तो दरवाजे को ही हम जो है द्वार कहते हैं। तो ये चित्र भी खिड़की का है क्या? जी नहीं। तो इसके हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, ये जो चित्र दिख रहा है आपको बताइए किसका चित्र है? घर, गृह, मदरसा, बताइए किसका चित्र है? जी हाँ, ये घर का चित्र है। बताइए, ये घर का चित्र है। और बताइए मुझे घर को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, गृह कहते हैं। गृह यानी क्या? घर। और मदरसे का चित्र है क्या ये? जी नहीं। तो इसलिए हम जो है इस पर गलत का निशान लगाएंगे। मदरसा यानी क्या? पाठशाला है ना। तो अब देखिए आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3, जो पंक्ति, जो शब्द पंक्ति में अलग है, जो शब्द पंक्ति में अलग है उस पर गोला लगाइए। अब देखिए यहां पर दिए गए शब्द है और इन शब्दों के आगे कुछ और शब्द दिए गए हैं। तो ये जो दिए गए शब्द है ये क्या है? वो दिए गए शब्दों से संबंधित शब्द है और उसमें से जो शब्द गलत है उस पर हमें जो है गोला लगाना है। देखिए जो शब्द गलत है यानी क्या? उससे अलग है, हटकर है, उस पर हमें गोला लगाना है। तो देखिए यहाँ पर एक करकर दिखाया हमें, दिया गया शब्द है घर और आगे शब्द दिए गए कौन से बताइए? दरवाजा, खिड़की, रेल, दीवार। देखिए घर जो होता है घर में दरवाजा होता है, खिड़की होती है और दीवार भी होती है, लेकिन रेल होती है क्या घर में? जी नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये शब्द अलग है, इसलिए जो है यहाँ पर रेल शब्द पर क्या है? गोला लगाया गया है ना। तो अब जो है हमें इसी प्रकार जो दिए गए शब्द है इन पर गोला लगाना है। तो देखिए दिया गया शब्द है बादल, आगे जो पंक्ति में शब्द दिए गए हैं वो है बारिश, पानी, वर्षा और अगला शब्द है आगरा।
तो बताइए ये बादल शब्द से संबंधित शब्द कौन से है? जी हाँ, बादल यानी क्या? बादल होगी, बादल यानी जो है उससे क्या होगी? बारिश होगी, है ना? बारिश यानी क्या? वर्षा। और बारिश होगी तो क्या गिरेगा? पानी गिरेगा, है ना? तो ये जो है बादल से संबंधित शब्द है। लेकिन आगरा ये एक शहर का नाम है। आगरा क्या है? ये एक शहर का नाम है जहां पर आपने ताजमहल का नाम सुना है। जी हाँ, तो ताजमहल जो है कहां पर है स्थित? जी हाँ, आगरा में है ना। तो ये जो आगरा शब्द है इसके अंदर अलग है। तो आप देखिए अगला शब्द, अगला शब्द क्या है? सूरज। अब शब्द क्या है? सूरज। और पंक्ति में दिए गए शब्द है धूप, जमीन, गर्मी, पसीना। तो बताइए सूरज से संबंधित शब्द कौन से हैं? जी हाँ, धूप। सूरज से धूप मिलती है। धूप से क्या, सूरज से क्या होती है? फिर धूप से की वजह से गर्मी भी होती है। गर्मी से क्या होता है? पसीना आता है। तो ये जो है तीन शब्द सूरज से संबंधित है। लेकिन सूरज से जमीन का कुछ संबंध है क्या? जी नहीं, ये अलग है ना। तो ये जो है अलग शब्द है जमीन। अब देखिए आगे, देखिए प्रश्न क्रमांक 4। कविता में जोर जोर शब्द आया है। नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनसे वाक्य बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि कविता में कौन सा शब्द आया है? जोर जोर। जैसा कि आया ना, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, है ना? जोर जोर शब्द आया ना। तो ये जोर जोर जो शब्द आया है, इसी प्रकार जो है कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, हमें उनसे वाक्य बनाना है। तो देखिए पहला शब्द है धीरे धीरे। पहला शब्द है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द से जो है हमें वाक्य बनाना है। तो बताइए कौन सा वाक्य बनेगा? जी हाँ, कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। कछुआ, कछुआ धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रहा था। आप जो है ऐसा भी कर सकते हो, कछुआ धीरे धीरे चलता है, है ना? अब देखिए आगे, अगला शब्द है बार बार। दिया गया शब्द है बार बार। इसे हम जो है, इससे हमें वाक्य बनाना है। तो बताइए मैंने मान्या से बार बार कहा पर वह नहीं मानी। मैंने मान्या से, मान्या से बार बार कहा, बार बार कहा पर वह नहीं मानी, नहीं मानी। मैंने मान्या से बार बार कहा पर, मैंने मान्या से बार बार कहा पर वह नहीं मानी। मैंने मान्या से बार बार कहा पर वह नहीं मानी। तो देखिए इस प्रकार ये वाक्य बनाएंगे। अब देखिए अगला शब्द, यह का शब्द है अभी अभी। कौन सा है? अभी अभी। जैसे कि अभी अभी जो है, ये शब्द भी जो है दिए गए पंक्तियों में आया है। क्या है? अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहां से यह पानी, आया था ना शब्द अभी अभी। तो ये भी शब्द यहाँ पर कविता में आया है। तो हमें जो है अभी अभी इस शब्द से वाक्य बनाना है। तो देखिए पिताजी अभी अभी, पिताजी
अभी 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 दफ्तर से पिताजी अभी अभी दफ्तर से लौटे हैं। पिताजी अभी अभी दफ्तर से लौटे हैं मतलब अभी अभी आए हैं। पिताजी अभी अभी दफ्तर से लौटे हैं। तो अब देखिए इस प्रकार से ये जो सभी प्रश्न हैं हमने देखे हैं, तो आप भी जो है अपने शब्दों में जो है इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपने वाक्य स्वयं बनाइए और जो है इसके आगे का भाग हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।